असल में रूट था चीन से, हम जब देखते हैं ये एंशियंट रूट जो था चीन से यारकन और यारकन से डाउन कश्मीर, फिर वो आगे जो ट्रैवल होता था वो हिमालय रेंजेस से जो पानी निकलते हैं वो जो मिलके यहाँ अभी गुजरगाहें बनाते हैं उन गुजरगाहों से होके ये लोग अरेबियन सी तक पहुँचते थे। जम्मू कश्मीर बड़े आज़म एशिया के मरकज में एशिया की कदीम तहजीबों के संगम पर वाक़ है। कश्मीर की इन तहजीबों से तजारती और सकाफती ताल्लुकात इतने ही कदीम हैं जितनी इंसानी तारीख। यहाँ से शुमाल को जाने वाले रास्ते पर रेशम और जनूबी रास्ते नमक की तिजारत के लिए मशहूर थे, इसलिए इन्हें शहराए रेशम और शहराए नमक का नाम दिया गया। कश्मीर की इन्हीं तहजीबों ने भी आपस की तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के लिए इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल किया। ओल्ड सिल्क रूट था, आपकी पूरी ट्रेड यहाँ से हो रही थी, तो बेसिकली ये यूरेशिया था बेसिकली, तो यूरेशिया अल्टीमेटली आप यूएसए सारे के साथ निकल जाते हैं, आप अफगानिस्तान से निकलते हैं, आप सेंट्रल एशियन स्टेट चले जाते हैं, वहाँ से आप रशिया के साथ जाते हैं, देन गोज ऑन। बेसिकली द ट्रेड बिटवीन गिलगित बल्टिस्तान लद्दाख एंड कश्मीर प्रायर टू द मिड 20th सेंचुरी वाज एन इंटरनल ट्रेड दैट इज एटलीस्ट 1000 इयर्स ओल्ड, दैट हैपेंड क्वाइट अ बिट एंड इट बिल्ट अप रिलेशनशिप्स एंड सो फोर्थ। नौ आबादियाती दौर के आगाज तक इन रास्तों की फिजा तिजारती काफिलों की घंटियों की आवाजों से नगमा रेज रही, लेकिन नौ आबादियाती तौसी पसंदी की वजह से जन्म लेने वाली चपकलिश ने इन रास्तों की रौनक को गहना दिया। फिर बरेसगीर की आजादी के नतीजे में कश्मीर पर मुतहारिब कुवतों की फौज कशी ने जहां रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से बखरे किए, वहां यह कदीम तिजारती रास्ते भी मसदूद होकर रह गए। आई थिंक व्हाट हैपेंड इन 1947 वाज दैट दैट होल सॉर्ट ऑफ सिस्टम वाज ब्रोकन डाउन एक्चुअली बिटवीन परहैप्स 1940 एंड 1950 दैट होल ट्रेड सिस्टम ब्रोक डाउन एंड व्हाट इट डिड इज एसेंशियली देन ब्रेक अप सोशल रिलेशनशिप्स व्हिच एंडेड अप ब्रेकिंग अप सॉर्ट ऑफ देम इमोशनली एज़ वेल एंड हैव सेपरेटेड देम। अक्टूबर 2008 खत्ते की दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत की कयादत में तसादुम के बजाय एतमाद का रास्ता अख्तियार करते हुए कदीम तहजीबों को जोड़ने वाले कुदरती रास्तों की बहाली का फैसला किया। जकोठी उड़ी पुल, इस पुल ने अमन पुल का किरदार अदा किया और मैं पुल कमान पुल जो था जहां जब मैं खड़ा वहां पे था मेरे आंखों से आंसू आए हैं। मैंने कहा अगर आज हमारा ट्रक जाएगा कल हम भी जा सकते हैं, उधर से लोग आ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट बिजनेस। हमने बिजनेस पैसा कमाने के लिए इस ट्रेड को सोचा ही नहीं है, इट्स टोटली ब्लाइंड ट्रेड है, ब्लाइंड बिजनेस है। ये बेस बनी है ये तिजारत, इसको अमन के लिए ये अमन कायम हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग इस ट्रेड में मुंसलिक है। मुनकसिम जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों से आने वाले ताजरों ने झिझकते हुए कदमों से जीरो लाइन की तरफ जो पेशकदमी की थी उसने माशी राबतों की शाहराह के संगी मील की हैसियत अख्तियार कर ली है। जो बंद रास्ते हैं ये आज़ाद हो जाएं, एक दूसरे से जो लोग मिलें दुख सुख बांटें, जिंदगी या इंसानियत तरीका यही हम बोलते हैं यही होना चाहिए। पहले ट्रेड से पहले हम कराची, कोटा, सिंध, बलूचिस्तान इन इलाकों में चलते थे, रहती कभी कभी दो महीने, छः महीने के बाद, चार महीने के बाद मारे को तो आना पड़ता था, फिर लात ऐसे हो जाते थे। जब ये ट्रेड का मसला बना तो इसमें हमारे को ये बेहतरी हो गई, हम लोग इधर आते हैं फायदा होता है, ये घर में देखभाल खुशी गमी और कोई किसी किस्म का मसला मसाल बच्चों में टाइम मिल जाता है, घर के काम का टाइम मिल जाता है, दोस्तों यारों में गपशप हो जाती है, कुंभ कबीले में किसी का दुख सुख बांट देते हैं। आजकल आई हो सन पंजी गड़ियां पंजी फिर अल्लाह की तब दा खड़ियां नहीं कोई है बाद रही है बाद काम तो बड़ा माड़ा हो गया सब जो पारो गिनियां गानियां पारो पंजी पारो पंजी बस पंजी पंजी आप 150 पार हां आप 150 पार तो और कुछ भेजो ना
ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਾ ਹੁਣ ਸੁਬਾ ਰਾਤ ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਜੁਲਸੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੁਬਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ तो जो कश्मीर का रहने वाला जिसका शनाख्त कार्ड कश्मीर का बना है लाइसेंस कश्मीर का वो जाएगा आउट कंट्री लोग नहीं जा सकते फायदा ही फायदा लोगों का मगर मेरी हूँ गड्डी जा रही पाल माल लेके 10 लाख रुपए का इससे बदले उधर भी वापसी माल 10 लाख रुपए का ख्वाहिश वो 10 गड्डियाँ होनी एक का या 5 आवे थी उन्होंने मालियत पूरी करनी है पूरी इस्लामाबाद ही सारा माल जाकर उतरसी उतु साड़ी गड्डी वापस खाली करके असी रात कोठी टर्मिनल तो वापसी लोडिंग करसी उनकी गड्डी आसी ਔਰ ਆ ਕੇ ਚਕੋਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਸਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਾਂ ਇਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਸੇ ਮੁਨਕਸਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਤਜਾਰਤ ਕਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ 6 ਦਹਾਈਓ ਸੇ ਖਿੱਤੇ ਮੇ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕੋ ਕਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕੋ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ ਥਾ ਜਿਸ ਮੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਤਜਾਰਤ ਕਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਬੜ ਸਕਾ چند سالوں سے یہ ٹریڈ شروع ہے آپ دونوں پوائنٹ پہ دیکھیں وہ خواہ مظفرآباد چکوٹی کا ہو یا جیرہ تیتری نوڈ کا ہو کہ اس کے چند کلومیٹر کے ایریے میں کبھی فائرنگ نہیں ہوئی ہے اور ان لوگوں نے بھی سکھا سانس لیا جو ہماری عوام ہے دونوں اطراف کی ان کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ ٹریڈ کی کیا فائدے ہیں ہماری جانیں محفوظ ہو رہی ہیں فوجی محفوظ ہو رہے ہیں جو وہ کہیں کہیں کا بھی فوجی جان سے جاتا ہے اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں کسی کا بیٹا ہے 21वीं सदी में जब दुनिया सिर्फ फिंगर टिप्स पर मिलियंस और बिलियंस की ट्रांजैक्शंस और कारोबार करती है वही इंट्रा कश्मीर ट्रेड आज भी कबलज तारीख तरीकों पर जारी रहना किसी वजूबे से कम नहीं ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक हमारा ट्रेड होता है मंडे को हमारी गाड़ियाँ इंटर हो जाती हैं सिक्योरिटी चेक होती है बाकायदा बिलिंग होती है उसको सारी एजेंसी चेक करती हैं कस्टम डिपार्टमेंट चेक करता है वो चेक करके वो सर्टिफिकेट लगाते हैं उसके बाद गाड़ी सील होती है रात को गाड़ी बिल्कुल सिक्योरिटी में रहती है सुबह नेक्स्ट डे को गाड़ी पाकिस्तान जाती है स्कैनिंग कर लेने के बाद दोबारा ट्रक पर लोड करके माल को सील कर दिया जाता है माल की तफसील LOC की एक तरफ से दूसरी तरफ अरसाल की जाती है अगले मरहले पर दूसरी जानब से ग्रीन सिग्नल मिलने पर ट्रक कंट्रोल लाइन अबूर करते हैं کنٹرول لائن کی دوسری جانب سے آئے ہوئے مال تجارت کو اب ایک اور مرحلے کا سامنا ہے کنٹرول لائن کو پرمٹ کے ذریعے عبور کرنے والا ڈرائیور اپنے اور ٹرک کے سفری دستاویزات کے ساتھ ساتھ مال کی تفصیل ٹریڈ سینٹر پر جمع کراتا ہے سیل چیک کر کے کھولی جاتی ہے اور تجارتی مال اگلے مرحلے کے لیے دوبارہ ٹرک سے اتار کر مکمل طور پر سکین کیا جاتا ہے یوں مال تجارت چند کلو میٹر کا سفر طے کرتے کرتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کی تھکان کا شکار ہو جاتا ہے ادھر جو مینوئل سیکیورٹی چیک ہے اس کی وجہ سے بہت سا لاس ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویسٹیج بڑی جو ہو جاتی ہے پورا مال انلوڈ کر کے 100% اس کو کھول کے تو پھر ری پیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے ساتھ میں وہ کوالٹی نہیں رہتی اور ایک جو بات سب سے اہم ہے کہ یہاں پہ جو بارٹر سسٹم ہے اس میں بھی بڑی دقت ہے کیونکہ ہم جو مال بھیجتے ہیں اس کے بدلے مال ہی منگوانا پڑتا ہے تو جو ادھر سے مال آتا ہے اس کا ہمیں ادھر پتہ نہیں ہے کیا ریٹ ہے کیا نہیں کیونکہ ہم مال چیک کر کے نہیں منگواتے کچھ نہیں ہوتا اس میں شک نہیں کہ آر پار تجارت نے جموں کشمیر کے دونوں جانب دم توڑتے ہوئے رشتوں کو پھر زندہ کر دیا ہے کئی دہائیوں سے ٹوٹا ہوا رابطہ بحال ہوا تو بچھڑے ہوئے بیتاب کشمیری نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسی تجارت میں شامل ہو گئے جس میں نہ تو تجارتی سامان بھیجنے والا سامان وصول کرنے والے کو جانتا ہے اور نہ ہی سامان وصول کرنے والا سامان بھیجنے والے کو نہ کوئی بینکنگ کا نظام ہے اور نہ کوئی زر مبادلہ مال کے بدلے مال کا یہ کاروبار مالی فوائد اور تحفظات کے مسلمہ اصولوں کے بجائے صرف اور صرف باہمی اعتماد پر مشتمل ہے The trade was launched in the backdrop of very peculiar circumstances that there was an agitation in Kashmir and Jammu in 2008 that spanned over months together And toward the end of that agitation, Prime Minister Manmohan Singh and President Asif Zardari, they met in New York, and it was decided there. And within 3 weeks of their meeting in New York, I mean, on the one hand, they show something that if the leadership in New Delhi and Islamabad, if they have the will and determination to do something big, they really have the potential of doing that.
But if they refuse to move forward, they refuse to move beyond that, they can leave something suspended for decades together, so that's not going to change. So the will and determination was demonstrated by their decision of launching the trade, so which they did. And the lethargy beyond that for next 6 years is representative of how they have been moving on Kashmir for the six decades. जब ये ट्रेड शुरू हुआ तो उस वक्त कमिटमेंट की गई थी कि मंथली रेगुलर मीटिंग्स होंगी जीरो लाइन पे. वही एक साधन था इस ट्रेड को चलाने का. ना ही हमारे पास कोई सेलफोन फैसिलिटी है, ना ही हमें आने जाने के लिए कि वहाँ परमिट दिया गया कि हम हमारा ट्रेडर वहाँ जाए, वहाँ सेल परचेज करे, कम्युनिटी देखे लाए. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. बीच में वो फिर आए दिन कभी बॉर्डर अगर टेंशन रही तो ट्रेड तो चलता रहा, लेकिन मीटिंग्स तीन चार चार महीने जो है वो इररेगुलर होती रही. एटलीस्ट आज तक 15 से 20 मीटिंग्स जो है वो सक्सेसफुल मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें फार के भी ट्रेडर गए, हमारे भी ट्रेडर आए. उसमें हमने यूनानी बेसिस एक फैसला किया, तय किया कि इस एक महीने में जो मीटिंग होगी वो जीरो लाइन से इस तरफ हमारी साइड होगी, इंडिया की तरफ. दूसरे महीने में जो मीटिंग होगी वो जीरो लाइन के उस पार होगी. था दोनों तरफ की एसोसिएशन बैठ के लोगों के झगड़ों के जो झगड़े थे, जो मसाइल थे, उनको हल करते थे. एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट तैयार करती थी, उस डॉक्यूमेंट पर दोनों तरफ के ट्रेडर्स जो थे वो आपस में साइन करते थे, और उस फैसले को दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मान के चलती थी, और ट्रेडर भी मान के चलता था. पर जो डिमांड्स हैं वो कंट्रोल लाइन से जो चीज़ें आती हैं वो ये कपड़ा आता है और लोग इसे पसंद करते हैं. जो कढ़ाई वाला कपड़ा है, ये कश्मीर की जो शालें हैं, ये शाल कश्मीर की बनी हुई है. यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक जो तो हमारे अपने जम्मू कश्मीर की बनी हुई है, तो लोग यहाँ पर पसंद भी करते हैं. ये वैसे भी चीज़ ड्यूरेबल होती है कढ़ाई के वाले से, शाल वगैरह वहाँ से बनस्पत यहाँ के वहाँ से जो आई हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होती है. और सबसे जो मेन हम रखते हैं कि वहाँ से आई हुई है तो अच्छी चीज़ होती. हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हमारी पहुँच में हो तो हम हर चीज़ वहाँ से लें, वहाँ से मंगवाएं, हम लोग फ्रीली आ जा सकें. वहाँ का स्पेशली वहाँ के जो ड्रेसेज हैं वो हमें ज़्यादा पसंद है. वहाँ उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो ड्रेसिंग है, वो कुर्ते शॉल्स हर चीज़ हमें पसंद है, और हमारी ख्वाहिश है कि वो सब चीज़ें हमें यहाँ भी अवेलेबल हैं. एटलीस्ट एट वन ट्रेडिंग पॉइंट देर आर 300 to 400 पीपल हु आर इन्वॉल्वड विद द ट्रेड. And its trade is benefiting those people. Besides, it's also helping in certain ways to local economy, though not in that very macro level. But to some extent, it is helping in different ways. It's helping trading certain items which they do not have that kind of market on their own side. But when these items go to other side, it helps farmers, it helps people who produce those items. So that way it is helping a little bit. ये जो एरिया आप देख रहे हो ट्रेड सेंटर का, ये इन्हीं गरीब लोगों की ज़मीनें जो थी ये चली गई, ये कोई व्हीकल प्रॉपर्टी थी. उसके बदले में लोगों को कुछ रोजगार मिल गया, जिससे इनका बाल बच्चा पल रहा है. यहाँ बहुत गुर्बत है. हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाओ, यहाँ इनको थोड़ा आइटम बढ़ाएं, ताकि आइटम बढ़ने से हमारी लेबर जो है ये बढ़ सकती है. जब से ये ट्रेड चला उस टाइम से हमारी गाड़ियों के बैंक की जो किस्तें हैं हम एडवांस में दे रहे हैं. इससे ट्रांसपोर्टर के जितने भी तबके इसके साथ जुड़े हुए हैं, हर आदमी एक अच्छा खाना खा रहा है, अच्छी नींद सो रहा है. हर घर में रोटी मिली, हर घर की सहायता मिली. सर मेन मसला ये है कि हम लोग मतलब बेरोजगारियाँ खत्म हो गई इस ट्रेड से. फ़ायदे हमें बहुत सारे, खासकर हम लोग लोकल को यहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं. हमारा ये हमेशा अथॉरिटीज़ के साथ ये रहा है कि इन जो आइटम्स की जो आइटम्स को बढ़ाया जाए. और हमने ये भी कहा है कि जम्मू में जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जो प्रोडक्ट ये बनाती हैं, इन प्रोडक्ट्स को भी ट्रेड करने का परमिशन दिया जाए, और वहाँ पर भी जो बनती हैं उनको भी ट्रेड करने का
उसको उन आइटम्स में इंक्लूड किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली इन केस दैट हैपन्स देन ओनली द इकोनॉमी ऑफ दीज टू रीजन्स विल अंडरगो अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दे विल गेन इकोनॉमिकली। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरहद के उस पार बनती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सरहद के इस पार बनती हैं एक्सक्लूसिवली हमारे साइड में और एक्सक्लूसिवली उस साइड में, लेकिन दोनों कश्मीर ही है एट द एंड ऑफ द डे। और कश्मीर सारी दुनिया में एक ब्रांड माना जाता है और बहुत से जो आउट ऑफ कश्मीर प्रोडक्शंस भी हैं वो सिर्फ कश्मीर का नाम यूज़ करते हैं जो कि उनकी ब्रांड डेवलपमेंट हो। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से बनेगा तब भी कश्मीर है, यहाँ से बनेगा तब भी कश्मीर है। तो जॉइंटली अगर हम लोग इस पे काम कर पाएँ कि इंटरेस्टिंग भी होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बाकी जगहों पर भी पड़ेगा, इस हिसाब से कि इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन स्पाइट ऑफ सेपरेशन, ट्रेडर कम्युनिटी इकट्ठे आके एक ही प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और वी हैव सीन कि दुनिया की जो सारी डेमोग्राफी है, दुनिया की जो सारी यू नो बॉर्डर्स हैं, उसको ट्रेड ने ख़त्म भी किया है और बॉर्डर्स को ट्रेड ने ही स्टार्ट भी किया है। अब तक तो हम इसको एक CBM की तरह देखते थे कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। नाउ CBM से इसको अब काफ़ी टाइम हो गया एज अ CBM, अब इसको CBM से आगे चले जाना चाहिए इनटू अ प्रॉपर ट्रेड। कंट्रोल लाइन की जानिब सफर करने वाले ट्रक का सफर सिर्फ इंट्रा कश्मीर ट्रेड का सफर ही नहीं, बल्कि ये सफर उस ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम है जो नफरतों को मिटाकर खित्ते के 1.5 अरब से जायद इंसानों को जंग का ईंधन बनने से रोक सकता है। यह सफर दरअसल अमन, सलामती और खुशहाल मुस्तकबल का सफर है।